Hello guys, Assalamualaikum. This is Vinsa Bika Fatma and you are watching a Bika Fatma with Mom channel. Hope you all are doing well. तो इस वक्त दोपहर के 12:30 हो रहे हैं. सारा काम करके हम बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैदा पड़ा हुआ है तो हम केक बना लेते हैं. जब मम्मी केक का बैटर बना रही थी तो हमने वीडियो नहीं बनाई, भूल गए थे. तो फिर जब हम मम्मी ने बैटर पैन में डाल दिया तो मैं आ गई. मैंने बोला था कि चलो वीडियो बना लेते हैं. हमने केक के ऊपर चॉकलेट चिप्स छिड़का था और उसको फिर डेगची में बेक करने के लिए रख दिया था. और जी, ये हमारा केक हो गया है तैयार. मम्मी ने छुरी की मदद से चेक किया तो केक पक चुका था. बस केक में ज़रा सी ये गड़बड़ हो गई थी कि जब हमने इसको डेगची में रखा था तो उसका तो एक तरफ से ऊंचा और एक तरफ से नीचे हो गया था. उसका बैलेंस आउट हो गया था. बस ये हो गया था, वरना केक तो बहुत ही मज़े का बना था. टेस्ट में सिंपल सा स्पंज केक था लेकिन हमने इसके ऊपर चॉकलेट चिप से गार्निश कर लिया था जिससे बहुत ही अच्छा लग रहा था. तो अब ये बहुत ही गर्म हो रहा है तो अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे. ये हमने निकाल दिया है. यहाँ से ऊंचा और वहाँ से पतला हो गया था लेकिन कोई बात नहीं, हमें ही खाना था. आप जब बनाए तो ध्यान करिए कि बैलेंस आउट ना हो वरना केक की शेप खराब हो जाती है. अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगेगा. हमारे पास आधा कप मैदा था तो हमने इसमें आधा कप आटा मिला लिया था क्योंकि हमारे पास मैदा कम था. लेकिन बहुत ही अच्छा बना, सॉफ्ट बना. ये देखिए, ये बहुत ही नरम नरम केक बना था. इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ कभी शेयर कर लेंगे. बस इसमें सिर्फ चार चीज़ें डली हैं, मैदा, चीनी और कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर. तो ये दोपहर का टाइम है, गर्मी बहुत हो रही थी इसलिए हमने स्विमिंग पूल खोल दिया. इसको बहुत टाइम लगता है भरने में क्योंकि बहुत ही बड़ा है, इसलिए हमने इसमें सिर्फ 5-6 बाल्टी पानी डाले क्योंकि इसको खाली करने में भी टाइम लग जाता है और फिर फुलाने में तो सांस ही फूल जाता है. और हम नहा रहे थे तो इस वक्त अम्मी किचन में खाना बना रही थी. आज हम खाने में कीमा बना रहे हैं. तो ये हमारा खाना तैयार हो गया है. हम नहा के निकल गए थे और अंदर खाना खाने आ गए थे तो खाने में आज कीमा और रात की भिंडी थी और तंदूर की रोटी थी जिसको हमने तल के खाई थी क्योंकि हमें तल के खाने में बहुत मज़ा आता है और कीमे के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है. तो गर्मी बहुत थी इसलिए मम्मी ने बनाना शेक बना दिया था. अलियान ने तो खाना नहीं खाया, खाली शेक ही पिया. कीमे की रेसिपी हमने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि हम इससे पहले भी आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुके हैं. कीमे में कोयले की धुई हो तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है. हम जब भी कीमा बनाते हैं तो इसमें धुई ज़रूर देते हैं. खाने में आपको मेरा दूसरा भाई नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो अभी तक स्विमिंग पूल में ही बैठा हुआ था, वो खाना खाने नहीं आया था. और ये मेरा छोटा भाई अनियान शाम को माइक लेकर नात पढ़ रहा है. इसको बहुत शौक है नात पढ़ने का तो ये अक्सर माइक लेकर बैठ जाता है नात पढ़ने.
शाम की वीडियो है, बाबा टिक्का इनसे सैंडविच लेकर आए थे, बहुत ही मजे का था। तो ये अगले दिन शाम की वीडियो है, बाबा टिक्का इनसे सैंडविच लेकर आए थे, बहुत ही मजे का था। और साथ वापस समोसे भी लेकर आए थे, तो इसमें सैंडविच था, फ्राइज थे और कैबेज सैलेड था। तो ये सैंडविच बहुत ही मजे का था, इसमें एकदम टिक्का और टेस्ट आ रहा था। तो आप भी कभी इसको ट्राई करें। तो ये हमारा आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने यह चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।